हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिंह सर्वा ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं दीपेश सिंह सर्वा। चलिए आज हम लोग जानते हैं इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात आपसे मैं कहना चाहूँगा, यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ही शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे अपना वीडियो कंटिन्यू रख सकूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इनपुट के बारे में। तो इनपुट डिवाइस होता क्या है? देखिए, कंप्यूटर में डेटा या फिर सूचना को भेजना और उस सूचना को भेजने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग उपयोग करते हैं वही क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो चलिए ज़्यादा हम लोग इसके अपने डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं और इसके देखते हैं कौन कौन सी डिवाइस जो है यूज़ होते हैं। तो इनपुट डिवाइस में जो सबसे पहला है वो है कीबोर्ड। और कीबोर्ड के हमको तीन प्रकार देखने को मिलते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज होता है वो है क्वर्टी, जिसमें 104 की होते हैं, इसको याद रखेंगे। फिर यदि कीबोर्ड में कुछ की होते हैं तो यहाँ पर जो मुझे लगा उन की को मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। जैसे पहला है फंक्शन की। कीबोर्ड के ऊपर में आपने देखा होगा F1 टू F12 तक क्या होते हैं? की होते हैं। उसी को क्या कहते हैं? फंक्शन की होते हैं। कहते हैं पेपर में सीधा पूछता है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है? 12 होती है। फिर चलिए जानते हैं कर्सर कंट्रोल कुंजियां के बारे में, यानी जो कर्सर को कंट्रोल करता है। तो आपने देखा होगा कीबोर्ड के राइट साइड में एक चार की होते हैं, एक ऊपर एक नीचे और एक बायां और एक दायां की तरफ होता है, वो है कर्सर कंट्रोल की। फिर इसमें और क्या शामिल है? होम की, फिर एंड की, पेज अप और पेज डाउन, ये सभी क्या है? कर्सर कंट्रोल कुंजियां हैं। तो जो होम की है उसको प्रेस करने से क्या होता है? जो कर्सर है वो सबसे प्रारंभ में आ जाता है। तो पेपर में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कर्सर को हम लाइन के सबसे प्रारंभ में जाने के लिए कौन सा की प्रेस करते हैं, तो कौन सा करेंगे? होम की। फिर एंड की, तो इसमें क्या होता है? जो कर्सर है वो सबसे अंतिम में चले जाता है लाइन के। फिर पेज अप, पेज अप में क्या होता है? जो आप वर्क करते रहेंगे उसमें यदि हम पेज अप प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपका पेज एक पेज ऊपर चले जाता है, और पेज डाउन करने से क्या होता है? आप एक पेज नीचे चले जाते हैं। फिर चलिए आते हैं कंट्रोल कुंजी के बारे में। जो कंट्रोल कुंजी है वो एक कॉम्बिनेशन की है किसी अन्य की के साथ। इसका प्रयोग करने से क्या होता है? कोई विशेष कार्य होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन की कहते हैं। जैसे कंट्रोल प्लस एस करने से क्या होता है? आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाता है। फिर चलिए आते हैं शिफ्ट की के बारे में। तो जो शिफ्ट की है, आपने देखा होगा कीबोर्ड में जो की होते हैं उसके उसमें दो अक्षर टाइप होते हैं या चिन्ह होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। यदि आपको जो ऊपर के चिन्ह है या अक्षर है वो टाइप करना हो तो आपको शिफ्ट के साथ उस की को प्रेस करना होता है। तो ये काम है शिफ्ट का। फिर पहले हम देखते हैं अल्ट कुंजी को। ये क्या करता है? ये भी एक कॉम्बिनेशन की है जिसको किसी विशेष की के साथ कंबाइन करके प्रेस किया जाता है। जैसे मैं बात करूं अल्ट प्लस एफ, यदि मैं प्रेस करता हूं तो आप जो प्रोग्राम ओपन किए हैं उसके फाइल मेनू जो है वो खुल जाता है। और फिर यदि मैं बात करूं अल्ट प्लस F4, इससे क्या होता है? आपका जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यदि जो प्रोग्राम है उसमें यदि कोई विंडो खुल जाता है उसको क्लोज करने के लिए क्या हम प्रेस करते हैं? कंट्रोल प्लस F4। तो याद रखेंगे इसको, क्योंकि व्यापक जो है आजकल ऐसे क्वेश्चन देता है कि संबंधित कार्य करने के लिए हम कौन सा की प्रेस करेंगे। फिर चलिए देखते हैं नन लॉक को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक चीज आ रहा है इसमें कि ये जो है कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट कुंजी, इसको तीनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, या तीनों क्या कहा जाता है? मॉडिफायर।
ये क्या तीनों मॉडिफायर ही है, क्योंकि इनके प्रयोग से इनका जो कार्य का स्वरूप है वो बदल जाता है। फिर देखते हैं नन लॉक। तो आपने देखा होगा जो कीबोर्ड के राइट साइड में कुछ नंबर्स होते हैं, यदि आप नन लॉक को एक्टिव करते हैं तो जो नंबर है वो टाइप होता है, यदि आप उसे डीएक्टिव करते हैं तो जो नंबर है वो टाइप नहीं होता है। फिर ऐसे यदि हम देखें कैप्स लॉक को, तो जो कैप्स लॉक आप एक्टिव करते हैं तो आप जो टाइप करते हैं वो कैपिटल में टाइप होता है, यदि इसको डीएक्टिव करते हैं तो क्या होता है, जो आपका लेटर है वो स्मॉल में टाइप होता है। तो यदि इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या है, टोगल की है, ये टोगल की कहलाता है, कौन कैप्स लॉक और नन लॉक, क्योंकि इनके एक्टिव या डीएक्टिव रहने से जो कार्य का स्वरूप है वो बदल जाता है। चलिए अब देखते हैं टैप कुंजी के बारे में। जब आप टैप कुंजी प्रेस करते हैं तो क्या होता है, आपका जो कर्सर है वो पांच लाइन या पांच स्टेप आगे बढ़ जाता है, सॉरी लाइन बोल दिया था। तो टैप कुंजी के प्रेस करने से क्या होता है, जो कर्सर है वो पांच स्टेप आगे बढ़ जाता है। यदि आपको कर्सर को पांच स्टेप पीछे लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस टैप की को प्रेस करना पड़ेगा, तो आप पांच स्टेप पीछे आ जाएंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट। ये क्या होता है, जब इसको आप प्रेस करते हैं तो ओपन विंडो टास्क मैनेजर ओपन हो जाता है। ये कई बार व्यापार में आया भी है कि आप कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट या डिलीट के जो हम की है उसको प्रेस करते हैं एक साथ तो क्या होता है। चलिए अब जानते हैं माउस के बारे में। तो माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, हम कर्सर को कंट्रोल करते हैं या एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो जो माउस का आविष्कार है 1963 में डगलस सी एंगलबर्ट द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, पेपर में इसी को पूछता है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। और यहाँ पर एक चीज याद रखेंगे कि जो ऑप्टिकल माउस है इसका आविष्कार माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1999 में किया गया था, तो इसको भी याद रखेंगे। तो अब यदि बात करें माउस के कार्य की, तो क्लिक करना यानी किसी ऑब्जेक्ट पे यदि हम जाके एक बार क्या करते हैं, लेफ्ट की को क्लिक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, सेलेक्ट हो जाता है। और यदि हम ऑब्जेक्ट में जाके डबल क्लिक करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो ओपन हो जाता है। फिर यदि हम दायां क्लिक यानी राइट क्लिक करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं वो शो होती है। फिर ड्रैग एंड ड्रॉप यानी किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, यानी जैसे ये स्क्रीन है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट को आपको यहाँ से यहाँ तक लाना है तो आप क्या करेंगे, पहले इस ऑब्जेक्ट को लेफ्ट क्लिक क्या करेंगे तो वो क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। और लेफ्ट क्लिक को दबाए हुए ही आपको इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ला के क्या करना रहता है, छोड़ना रहता है लेफ्ट की को। तो यही कहलाता है ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान लाकर छोड़ देना। फिर है ट्रैक बॉल। तो जो ट्रैक बॉल है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन इसमें अंतर क्या है, जो माउस है वैसे ये भी रहता है लेकिन ऊपर में इसके एक बॉल लगा होता है, और इस बॉल के मूव होने से ही जो कर्सर है वो कंट्रोल होता है। इसका प्रयोग कैड या कैम कंप्यूटर एडेड डिजाइन वर्क स्टेशनों में होता है। फिर अगला है जॉयस्टिक। तो ये क्या है, एक कंप्यूटर काम में जैसे गियर लगा होता है वैसे ये भी होता है, इसके मदद से जो कंप्यूटर गेम खेलना है वो बहुत आसान हो जाता है। और इसका प्रयोग भी कैड कैम वर्क स्टेशनों में होता है। ये भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस ही है। फिर है लाइट पेन। तो जो लाइट पेन है वो भी क्या है, कंप्यूटर को इनपुट देने का क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में। जैसे यदि आप जाते होंगे अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने
तो वहां आपको एक इलेक्ट्रॉनिक पैड देता है और पेन देता है। जब आप पेन से क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक पैड में साइन करते हैं, तो वो जो साइन है वो डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में आ जाता है। तो यही कारण है इसका, लाइट पेन का। फिर टच स्क्रीन, टच स्क्रीन के बारे में आप जानते ही हैं, यदि आप स्क्रीन पर वो अपनी उंगलियां रखते हैं तो जो कंप्यूटर है उसको क्या प्राप्त होता है, निर्देश प्राप्त होता है डिजिटल फॉर्म में। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर है बार कोड रीडर। तो आपने देखा होगा कि आजकल सभी प्रोडक्ट हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ लाइन होते हैं काले रंग के, वही क्या है, बार कोड है। और उस बार कोड को जो रीड करता है वही क्या है, बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर क्या करता है, एक लाइट बीम उस पर डालता है और जो सूचना उसको प्राप्त होती है उसको वो कंप्यूटर के लैंग्वेज में या डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को दे देता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर आते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर में। ये क्या करता है, किसी भी पेज में यदि कोई चिन्ह बना होता है उसको क्या करता है, पहले ग्रहण करता है और डिजिटल फॉर्म में किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। इसका जो उपयोग होता है वो है आंसर शीट को जांच करने में, क्योंकि आंसर शीट में भी क्या करते हैं, हम जो काला बोला करते हैं उसको ये रीड करता है और कंप्यूटर को भेज देता है। फिर है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पर क्या करता था, ये केवल चिन्हों को ही ग्रहण करता था, लेकिन यहाँ पर यदि आप हाथ से भी लिखे हैं अच्छे साफ अक्षरों से तो इसको क्या करता है, ये रीड कर लेता है और कंप्यूटर को दे देता है, क्योंकि ये अक्षरों को भी पढ़ लेता है। इसी कारण इसको इंटेलिजेंस कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन भी कहते हैं, इसको ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन को। फिर है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अब ये क्या होता है, आपने देखा होगा चेक के नीचे में कुछ उसका जो कोड है वो लिखा रहता है और IFSC कोड रहता है, वो किस में लिखा रहता है, एक काले रंग से स्याही से लिखा रहता है, और इस काले रंग के स्याही में जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो भी होते हैं। तो इसी पार्टिकल्स या कोड को जो पढ़ता है वही क्या है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है। तो ये भी क्या करता है, उसको डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को देता है, इसलिए भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर अगला है स्मार्ट कार्ड रीडर। ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। जो स्मार्ट कार्ड में काले रंग का होता है वो क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर होता है, उसको रीड करता है कौन, स्मार्ट कार्ड रीडर, और डिजिटल फॉर्म में उसकी जो सूचनाएं हैं वो उसको दे देता है कंप्यूटर को। फिर है बायोमेट्रिक सेंसर। आपने देखा होगा आजकल हम हर जगह जाते हैं, जैसे सिम कार्ड लेने जाएं चाहे आधार कार्ड बनवाएं, तो हमको क्या करना पड़ता है, अपनी उंगली का जो थंब इम्प्रेशन है वो देना पड़ता है, और जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं वही क्या है, बायोमेट्रिक सेंसर है। तो जो हाथ की थंब इम्प्रेशन है उसको ये डिजिटल फॉर्म में किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। तो ये भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। फिर है स्कैनर। तो स्कैनर क्या करता है, आपके पेज में चाहे वो चित्र हो या फिर कोई अक्षर हो उसको पहले ये ग्रहण करता है कौन, स्कैनर, और फिर इसको क्या करता है, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और किसको दे देता है, कंप्यूटर को दे देता है। तो ये भी क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। फिर है माइक्रोफोन। तो जो माइक्रोफोन है वो क्या करता है, आवाज़ को ग्रहण करता है और उसको ऑप्टिकल ऑडियो में कन्वर्ट करके किसको भेजता है, या डिजिटल ऑडियो में कन्वर्ट करके भेजता है कंप्यूटर को। तो ये भी क्या हुआ, एक इनपुट डिवाइस हुआ। फिर है वेब कैमरा। ये क्या करता है, इमेज को ग्रहण करता है या फिर इमेज बनाता है और उसको डिजिटल फॉर्म में किसको देता है, कंप्यूटर को देता है। तो ये भी क्या है, इनपुट डिवाइस है। तो ये तो थी इनपुट डिवाइस है। चलिए अब जानते हैं आउटपुट डिवाइसों के बारे में। तो जो आउटपुट डिवाइस है उसका प्रयोग कंप्यूटर से प्राप्त आउटपुट को देखने के लिए किया जाता है। ये जो आउटपुट है हमको या तो हार्ड कॉपी के रूप में मिलते हैं या फिर सॉफ्ट कॉपी के रूप में।
सॉफ्ट कॉपी हम तब बोलेंगे जब इसको हम मॉनिटर पर देखते हैं, और हार्ड कॉपी इसको हम तब बोलेंगे जब हम इसको पेपर पर प्राप्त कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं आउटपुट में सबसे पहले मॉनिटर को। तो यदि डिस्प्ले के आधार पर देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले। जो मोनोक्रोम डिस्प्ले मॉनिटर है उसमें मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए किसी भी चीज या फिर अक्षर को एक ही कलर में शो करेगा, तो वो क्या है, मोनोक्रोम है। और जो कलर डिस्प्ले मॉनिटर है उसमें जो मॉनिटर है एक साथ 256 कलर को डिस्प्ले कर सकता है। ये अंतर है इसमें मोनोक्रोम और कलर डिस्प्ले में। मोनोक्रोम में केवल एक कलर ही दिखेगा किसमें, मॉनिटर में, और कलर डिस्प्ले में 256 कलर एक साथ वो दिखा सकता है। और यदि तकनीक के आधार पर करें तो मॉनिटर हो जाएगा CRT, LCD और LED। ये पहले यूज होता था कैथोड रे ट्यूब, फिर LCD आया लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED आया लाइट इमिटिंग डायोड। तो अब यदि बात करें मॉनिटर में चित्र की स्पष्टता की, तो वो डिपेंड करता है स्क्रीन रिजोल्यूशन में, डॉट पिच में और रिफ्रेश रेट में। देखिए जो स्क्रीन है मॉनिटर है उसमें जो भी चित्र बनता है डिस्प्ले होता है वो किससे बना होता है, छोटे छोटे बिंदुओं से बना होता है, जिसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। तो यदि जो बिंदुएं हैं जितनी ज्यादा करीब होंगी उतनी ही चित्र जो है स्पष्ट बनेगी। सीधी सी बात है, यदि आप कोई भी डायग्राम बना रहे हैं तो उसमें जितनी बिंदुएं पास होंगी उससे क्या दिखेगा, वो अच्छा दिखेगा। यही चीज यहाँ पर बोल रहा है। फिर यदि स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो ये होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बिंदुओं या पिक्सलों का गुणनफल। मान लो इस लाइन में इतनी बिंदुएं हैं और इस लाइन में इतनी बिंदुएं हैं, तो ये दोनों का जो गुणनफल है वही क्या है, स्क्रीन रिजोल्यूशन है। तो ये जितना ज्यादा होगा आपके चित्र की गुणवत्ता भी क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर है इतना। फिर हम देखते हैं डॉट पिच को। तो डॉट पिच मतलब होता है कि दो पिक्सल के विकर्णों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, डॉट पिच कहते हैं। अब ये जो दूरी है जितनी कम होगी वो चित्र भी क्या होगा, उतना ही अच्छा दिखेगा। फिर है रिफ्रेश रेट। कंप्यूटर का जो मॉनिटर है एक सेकंड में जितने बार क्या करता है, अपने आप को रिफ्रेश करता है, वही क्या है, रिफ्रेश रेट है। और इसकी जो इकाई है या इसकी इकाई को हर्ट्ज में मापा जाता है। जो रिफ्रेश रेट है उसको हर्ट्ज में मापा जाता है। फिर चलिए अब आते हैं जिससे हमको हार्ड कॉपी मिलता है उन आउटपुट डिवाइसों को। तो इनमें सबसे प्रमुख है प्रिंटर। अब जो प्रिंटर है वो किस पे डिपेंड करेगा, ये भी डिपेंड करता है डॉट पर इंच में, यानी एक इंच में बिंदुओं की संख्या के आधार पर। और इसकी गति को मापते हैं कैरेक्टर पर सेकंड, लाइन पर सेकंड और पेज पर मिनट में। चलिए अब इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट, इसमें हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इंपैक्ट प्रिंटर में आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। ये सीधा सीधा पूछता है कि जो संबंधित प्रिंटर है वो इंपैक्ट प्रिंटर है या फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो आप इसको याद कर लें। जनरली ये चीजें मिल जाती है बुक में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, लेकिन बहुत सारे बुकों में ये नहीं दिया रहता है, ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। फिर नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में है इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। तो ये था इनका वर्गीकरण। चलिए अब देखते हैं जो इंपैक्ट प्रिंटर है उसको एक एक करके। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में, तो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर है और इसके जो प्रिंटिंग है उसमें तीनों का क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है और इसी तीनों के द्वारा ही क्या करते हैं ये कागज पर एक एक डॉट बनाते हैं और इसी को क्या करते हैं, इसलिए पिन प्रिंटर भी कहते हैं। और ये एक मोनोक्रोम प्रिंटर है, यानी ये आपको आउटपुट केवल एक कलर में देगा। इसकी गति को कैरेक्टर पर सेकंड में मापा जाता है और इसकी गति 30 से 600 कैरेक्टर पर सेकंड तक हो सकती है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस या फिर रेलवे में, क्योंकि इसका एक फायदा ये है कि एक साथ ये तीन कॉपी भी बना सकता है। तो ऐसे जगह जहाँ पास क्या हो, आपको कई कार्बन कॉपी की जरूरत हो, वहाँ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं डेजी व्हील प्रिंटर को। तो जो डेजी व्हील प्रिंटर है इसका प्रिंटिंग हेड जो है एक डेजी पुष्प के समान है, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ गया, डेजी व्हील प्रिंटर पड़ गया। और ये भी एक कैरेक्टर प्रिंटर है तथा इस प्रिंटर से ग्राफिक्स या फिर चित्र प्रिंट नहीं कर सकते हैं। फिर अगला है लाइन प्रिंटर। तो जो लाइन प्रिंटर है एक बार में पूरी लाइन प्रिंट कर सकता है, इसी कारण इसका नाम क्या है, लाइन प्रिंटर। और इसका उपयोग मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में किया जाता है, क्योंकि स्पीड जो है काफी ज्यादा होती है इसमें भी। फिर इसका उदाहरण है ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर और बैंड प्रिंटर। इसको याद रखेंगे, लाइन प्रिंटर का उदाहरण कौन सा है, ड्रम, चैन और बैंड प्रिंटर। फिर अगला है ड्रम प्रिंटर। तो नाम से ही स्पष्ट है इसमें क्या है, एक ड्रम लगा हुआ होता है और उसी ड्रम में ही जो कैरेक्टर है वो छपे रहते हैं और इसी की मदद से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। फिर अगला है चैन प्रिंटर। तो जो चैन प्रिंटर है उसमें चैन की सहायता से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, जो चैन है उसी में कैरेक्टर जो है छपे रहते हैं और पोजिशन में आने पर हैमर जो है पेपर को हीट करता है, जिससे जो चैन में कैरेक्टर है वो पेपर में छप जाते हैं। फिर अगला है बैंड प्रिंटर। ये भी चैन प्रिंटर के ही समान है, बस इसमें अंतर यह है कि चैन के जगह पर क्या होता है, स्टील का एक बैंड लगा हुआ होता है। चलिए अब देखते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। तो इसमें सबसे पहला है इंकजेट प्रिंटर। नाम से ही स्पष्ट है इसमें क्या किया जाता है, जो इंक है उसकी फुहार कागज पर छोड़कर छोटे छोटे बिंदुओं की सहायता से जो प्रिंटिंग का कार्य है वो किया जाता है। इसको भी लाइन प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है। फिर अगला है थर्मल प्रिंटर। तो जो थर्मल प्रिंटर है उसमें ऊष्मा की सहायता से प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है। पहले जो स्याही है उसको गर्म किया जाता है और उसके बाद उसको पेपर में छोड़ा जाता है, और इसमें जो पेपर भी यूज होता है वो केमिकल ट्रीटेड पेपर होता है। और इसका एग्जांपल क्या है, फैक्स मशीन है। फिर अगला है लेजर प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है वो पेज प्रिंटर की श्रेणी में आता है, जो 5 से 24 पेज पर मिनट तक छाप सकता है। और लेजर प्रिंटर का जो आविष्कार है वो गैरी स्टार्क वेदर ने किया था 1969 में। ठीक है, कब किसने किया था, गैरी स्टार्क वेदर ने 1969 में। और इसमें सूखी आवेशी स्याही का प्रयोग किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे, ये पेपर पूछा भी था कोई सा कि सूखी आवेशी स्याही का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें उच्च गुणवत्ता और स्पीड दोनों हमको मिल जाती है। फिर अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर। ये भी पेज प्रिंटर की श्रेणी में रखा गया है, जो 250 पेज पर मिनट तक छाप सकता है। फिर अगला है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। इसकी जो गति है बहुत ज़्यादा होती है तथा इसका जो खर्च है वो कम होता है, इसलिए इसका जो उपयोग है वो प्रिंटिंग प्रेस हो गए जैसे न्यूज़पेपर वगैरह छापने में किया जाता है। तो ये तो थे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर।
चलिए अब देखते हैं प्लाटर के बारे में। तो जो प्लाटर है वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो उच्च गुणवत्ता का ग्राफिक्स प्रदान करता है। तो इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि उच्च गुणवत्ता का ग्राफिक्स किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, और इसका जो उपयोग है वो बड़ी ड्राइंग डिजाइन के लिए किया जाता है। जैसे कोई सा मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है उसका डिजाइनिंग करना है, या फिर कंस्ट्रक्शन हो गया, कैड कैम हो गए, तो इसमें इसका उपयोग किया जाता है। अब इसका यदि प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार के मिलते हैं, फ्लैट बेड प्लाटर और ड्रम प्लाटर। तो जो फ्लैट बेड प्लाटर है इसका आकार छोटा होता है तथा इसको मैच पर रखा जा सकता है, तथा जो इसके पेपर की लंबाई है वो भी क्या होती है, सीमित होती है। लेकिन जो ड्रम प्लाटर है इसका आकार बड़ा होता है और इसके जो पेपर की लंबाई है वो असीमित होती है, यानी काफ़ी लंबी होती है। फिर अगला है प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचना या डेटा को 400% तक जूम करके हमको दिखा सकता है। तो इसको याद रखेंगे कि ये 400% तक जूम कर सकता है। इसको कई बार पेपर में पूछा है कि प्रोजेक्टर कितने प्रतिशत तक जूम कर सकता है। तो इसके इसी गुण के कारण इसका जो प्रयोग है वो क्लासरूम ट्रेनिंग या फिर प्रेजेंटेशन देने के लिए किया जाता है, या ऐसे जगह में जहाँ बस हमको परिणाम को समूह रूप में दिखाने हैं वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। फिर अगला है हेड कोन और स्पीकर, इसके बारे में आपको पता ही है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।